चलिए सबसे पहले हमें बटर पेपर लेना है, ऊपर एक ब्रेड लगाना है, मक्खन लगाना है, चीज लगाना है, उसको फॉइल पेपर में ढक लेना है और ऊपर प्रेस रख देनी है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है और हमारा सैंडविच तैयार हो गया। तो चलिए आज आपको प्रेस वाला सैंडविच खिलाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। ये ले ली हमने ट्रे, इसके ऊपर क्या लगाना है भाइयों, मक्खन लगाना है। अगला हमने ले लिया मक्खन, ले लिया भाई, मतलब इंटरनेट में क्या क्या चलने लग गया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अंडे का ये कर दो, अंडे का वो कर दो, उल्टे सीधे कांड चल रहे हैं और हम भी भाई उनका भागीदारी बन रहे हैं, और क्या हो सकता है। अब इसके ऊपर क्या करूं, चीज की स्लाइस रखनी है ना, चीज की स्लाइस। आप भी इसको इस्तेमाल करके अपने घर में सिर्फ एक प्रेस की मदद से, केवल एक प्रेस की मदद से टेस्टी सा सैंडविच बना सकते हो। कैसा बनेगा वो मैं खा के ही पता लगाऊंगा। ठीक है, ये हमने रख लिया, चीज का स्लाइस रखना है इसके ऊपर। तो भाई ये हैक का मुझे सिस्टम समझ नहीं आता कि इंटरनेट पे हैक एक्चुअली में बनाए क्यों जाते हैं, कौन है जो इनका इस्तेमाल कर रहा है और तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें बना रहा है। भाई सीधे सिंपल हमें इक्विपमेंट मिले हुए हैं, उनकी मदद से बना लो। नहीं, हम तो भाई कारनामा करेंगे, अभी आग ना लग जाए आज फिर से। फॉइल पेपर लेते हैं अगला, हमें फॉइल पेपर चाहिए और इससे हमें सैंडविच को सबसे पहले रैप कर दे रहे हैं। नहीं भाई, हमारा बजट कम था तो हम लोग वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे, हम लोग केवल चीज वाला सैंडविच बना रहे हैं। तो ये फॉइल पेपर, भाई फॉइल पेपर पे प्रेस लगा देते हैं ना, सेफ है ना। भाई प्रेस हमारी गर्म हो गई, देखो धुआं भी निकल रहा है अब इस गर्मा गर्म प्रेस से। क्या आप मतलब कांड रहा हो जाए, भगवान का नाम लेकर जय श्री राम, इसके ऊपर लगा देते हैं हम प्रेस। चलो भाई रेडी, उम्मीद इसी दिन के लिए प्रेस करेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने हैक में देखा है 5 मिनट के लिए छोड़ना है, और हैक वाले की प्रेस नहीं जली तो मेरी भी नहीं जलेगी। देखियो जल गई ना, मम्मी घर से निकाल देगी। ये तो सही बात कह रहा है तू। अब 5 मिनट तक इसका ऐसे ही इंतजार करना है बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 minutes later. चलो भाई 5 मिनट हो गए, उठा कर देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फॉइल पेपर जला है कि नहीं जला है। फॉइल पेपर को तो कुछ नहीं हुआ यार, मतलब हैक गर्म हो गया लेकिन बहुत ज्यादा। पलटते हैं भाई इसको, इसको पलटते हैं और अब सैंडविच को दूसरी तरफ से पकाते हैं। चलो अब 5 मिनट, अरे नहीं जलेगा यार, नहीं जलेगा। चलो अब 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ से छोड़ते हैं और फिर देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। बस बने रहो, अभी देखते हैं, पता लगाते हैं क्या बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 minutes later. चलो भाई सैंडविच की दोनों साइड को 5-5 मिनट छोड़ने के बाद देखते हैं हमारे वायरल हैक का एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है। सबसे पहले भाई प्रेस बंद करो, मेरे को इसमें डर लग रहा है। ओए अपने प्लेट जला दिया, उसको चिपक गया। देखो ये यार, मुझे क्यों तोड़ा, गलती से मिस्टेक हो गई भैया, गलती से मिस्टेक हो गई। कभी बर्तन जला देते हो, प्रेस की नोक पे कभी प्लेट जला देते हो, प्रेस की नोक पे प्लास्टिक है। सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है। खाने के लिए कुछ भी यार, एनीथिंग फॉर फूड। ओए ये कैसा हालत हो गई इसकी, बटर पीस लिया है, चीज देखना अंदर चीज निकला है। मक्खन वाली साइड देख भाई, प्रॉपरली टोस्ट हो गई है अंदर से, देखिए कैसा है, चीज भी पिघल गया है और बढ़िया चीज पुल भी आ रहा है। अक्षय भाई टोस्ट तो बढ़िया तरीके से हो गया है, टेस्ट कैसा है देख लेते हैं। भाई टोस्ट जैसा लाजवाब टेस्ट तो नहीं आया, वो क्रंचीनेस तो नहीं आई है, लेकिन काम चलाओ ये काम आपके लिए कर जाएगा सैंडविच। अगर आपके पास और कोई चीज मौजूद नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, टोस्टर नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप ये प्रेस वाला हैक ट्राई कर सकते हो। बाकी और कोई हैक है जो आप मेरे को ट्राई करते हो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय। वो ठीक है जो प्लेट जला दिया, उसका क्या करोगे, मम्मी को मत बताना यार प्लीज।